हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे AWS का कोर्स, जो कि आप सभी लोग यार बिल्कुल फ्री में करने वाले हो। साथ ही में दोस्तों यहां पर सारी नॉलेज आप काफी स्टैंडर्डाइज तरीके से सीखने वाले हो, और AWS को यूज करना और क्लाउड पर आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना आप इस कोर्स की मदद से सीख जाओगे। साथ ही में यहाँ पर जब आप इस कोर्स को कम्प्लीट कर लोगे तो आपको फ्री सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो क्या है पूरी कोर्स की डिटेल, क्या क्या कंटेंट आप यहाँ पर कवर करोगे, कितना टाइम लगने वाला है, कितना ड्यूरेशन का कोर्स रहने वाला है, कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो कंटिन्यू करते हैं और बिना स्किप करे वीडियो को देखना आप चलते हैं दोस्तों आगे। तो अभी यार आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है वेबसाइट जहां पर ये कोर्स अवेलेबल है, एंड इस वेबसाइट का नाम आता है Udonics। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ कि ये किसी भी तरह का कोई भी प्रमोशनल कंटेंट नहीं है, और हम सिर्फ एक नॉलेजेबल कोर्स देखने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप इसमें एनरोल करवा के इससे रिलेटेड सारी नॉलेज बिल्कुल फ्री में गेन कर सकते हो। तो अब स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आप क्या सीखने वाले हो। तो ये जो कोर्स है ये AWS के ऊपर है, साथ ही में आप यहाँ पर DevOps से रिलेटेड, जो कि मतलब होता है आप किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए जो आर्किटेक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हो उस पर जो भी कोड जाता है, उसका जितना भी प्रोसेस होता है, ये सब भी आप यहाँ पर इस कोर्स में सीखने वाले हो। तो ये कोर्स पूरा आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, इंग्लिश में ये कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर 112 लेक्चर्स हैं जो कि 40 आवर्स का वीडियो कंटेंट आपके लिए रहने वाला है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एनरोल करवा सकते हैं। कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। अब उससे पहले हम यहाँ पर इस कोर्स की सारी डिटेल कवर कर लेते हैं, एंड में देख लेंगे कि यहाँ पर हमको एनरोल कैसे करवाना है और कैसे सारा कंटेंट एक्सेस करने के बाद कैसे सर्टिफिकेट हम डाउनलोड कर रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप हल्का सा नीचे आ जाओ और आपको कोर्स के बारे में सारी नॉलेज देखने के लिए मिल रही होगी। यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्या वो मेन स्किल है जो इस कोर्स की मदद से आप सीखने वाले हो। तो यहाँ पर लिखा है कि AWS के बारे में आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि डॉकर कैसे यूज कर रहा था, साथ ही में आपको ये भी बताया जाएगा कि टेराफॉर्म कैसे यूज होता है AWS में। ये पूरी नॉलेज आपको इस कोर्स में देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम देखना चाहें कि क्या क्या कंटेंट है, किस हिसाब से किन सेक्शंस में क्या क्या चीजें डिवाइड करी गई हैं, कितना टाइम हमें लगेगा, कैसे कैसे हम सेक्शन वाइज या फिर मैं बोलूं टॉपिक वाइज कैसे कैसे आप यहाँ पूरी नॉलेज को सीख रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलता है एक इंट्रोडक्शन लेवल का नॉलेज, जो कि आपको सिखाएगा कि इस AWS कोर्स में क्या है, कैसे आपको AWS सर्टिफिकेशन को क्रैक करना रहता है। ये सारी नॉलेज बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेवल वाली आपको इस सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद आप IAM के बारे में सीखोगे, AWS में आप कमांड लाइन इंटरफेस कैसे यूज करते हैं, CLI कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में आपको सेकेंड सेक्शन में सिखा दिया जाएगा। देन आपको बताया जाएगा जो Amazon S3 है उसको आपको कैसे यूज करना है, ये थर्ड सेक्शन में कवर होते हैं, आपको दिख जाएगा। साथ ही में यहाँ पर आप बेसिक से लेकर क्लाउड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, S3 मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी नॉलेज आप गेन कर रहे होंगे। इसके अलावा आपको स्टोरेज कैसे मैनेज करा जाता है, कंप्यूट कैसे यूज होता है AWS में, इनकी नॉलेज आपको सेक्शन नंबर 4 में देखने के लिए मिल रही होगी। देन हम मूव करेंगे सेक्शन नंबर 5 की तरफ, जहां पर कि आपको नेटवर्किंग और DNS से रिलेटेड नॉलेज देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद आप जाओगे सेक्शन नंबर 6 में, जहां पर कि मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विस से रिलेटेड सारी नॉलेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों ये जो क्लाउड ट्रेल है, जो कि आप 34 नंबर पे देख रहे हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप तैयार करते हो तो उसके मैनेजमेंट, साथ ही में उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर की है जिसके ऊपर पूरा कोड डिप्लॉय होने वाला है। तो ये जो आप चीजें क्रिएट करोगे AWS की मदद से, वहां पर ये कैसे काम करता है, इसको सीखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके अलावा आप और ज्यादा चीजें सीख रहे होगी, जैसे कि आपको डेटाबेस के बारे में सिखाया जाएगा, माइग्रेशन के बारे में सिखाया जाएगा कि जितनी भी सर्विस होती है अगर आप उनको माइग्रेट करना है, फॉर एग्जांपल आपको ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर से AWS क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना कोड को माइग्रेट करना है तो कैसे करा जाता है, इसके बारे में भी ये नॉलेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी सेक्शन नंबर 9 में। एंड आप यहाँ पर एनालिटिक्स से रिलेटेड ML जो मशीन लर्निंग की सर्विस है उनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इन चीजों को यूज करोगे, ये सारी नॉलेज भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही होगी। इसके बाद DevOps एंड सर्वरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार करा जाता है, इसके बारे में भी नॉलेज आप सीख रहे हो, साथ ही में रियल टाइम से नैर उसको कैसे हैंडल करा जाता है,
ये सारी नॉलेज आप सीख रहे होगे, तो ये काफी सारा डिटेल कंटेंट हो जाता है जो कि आपके लिए बहुत अमेजिंग रहने वाला है। अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, आप AWS सीखने में इंटरेस्टेड हो, साथ ही में अगर आपको क्लाउड वाली टेक्नोलॉजी को सीखने में इंटरेस्ट है और आप सीखना चाहते हो या समझना चाहते हो कि क्लाउड पर आर्किटेक्चर कैसे तैयार होता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, कैसे काम करता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए, किसी भी वेबसाइट के लिए जो कि लार्ज स्केल पर अच्छे तरीके से काम कर रही होती है। तो हमने यहाँ पर बहुत बेसिक लेवल की चीजें सीख लिया, समझ लिया कि क्या क्या कंटेंट कवर होने वाला, कितना टाइम लगेगा और बिल्कुल फ्री में हम इसको एनरोल करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको आपके की टेकअवेज यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, आपको इनसाइट्स, जो डीप इनसाइट्स हैं AWS सर्विस के बारे में, सारी नॉलेज देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हैं, बेफिक्र रह सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो नॉलेज मिलने वाली है वो काफी अमेजिंग और बहुत ही बढ़िया होने वाली है, जो कि आपको अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो या फिर अभी काम कर रहे हो और AWS क्लाउड पर आपने काम नहीं करा, इसको सीखना चाहते हो, तो जरूर से आप ये पक्के में एनरोल करवा सकते हो, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा। अब हम देख लेते हैं प्रोसेस जिसकी मदद से आपको इस कोर्स में एनरोल करवाना है, इसका सारा कंटेंट कैसे आपको फ्री में एक्सेस करना है और एट द एंड कैसे आपको सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री में लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस पेज पर आपके सामने ये बटन अवेलेबल है जहां पर कि लिखा हुआ है एनरोल नाउ। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा जहां पर कि आपको बोला जाएगा कि आप अपने अकाउंट पर लॉगिन कर लो। देखो दोस्तों, अगर आपका पहले से अकाउंट है Udonix पर तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज यहां पर जो भी मेथड अवेलेबल है जैसे लॉगिन विद गूगल, फेसबुक, जिसका भी आपको यूज करना है, चाहे अपनी ईमेल आईडी का, अपना अकाउंट यहां पर क्रिएट कर लो। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है और आप लॉगिन कर लेते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज दिख जाएगा जहां पर कि आप अब फाइनली अपना कंटेंट को एक्सेस करने वाले हो। तो जैसे ही आप इस पेज पर पहुंच गए हो, आपको ये माय डैशबोर्ड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपके जितने भी कोर्सेज एनरोल्ड हैं वो सब आपको शो कर दिए जाएंगे। अब जैसे हमने AWS कोर्स में एनरोल करवाया है तो यहाँ पर आपको एक लिंक देखने के लिए मिल रहा है स्टार्ट कोर्स, तो आप जैसे ही स्टार्ट कोर्स वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पूरा कोर्स ओपन हो जाएगा जहां पर कि सारा वीडियो कंटेंट आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। वन बाय वन आप इनको एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, और जैसे ही आप इनको कंप्लीट कर दे जाओगे तो जो चेकबॉक्स है ये ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पर टिक आ जाएगा, और जब ये सारे कंटेंट आप कंप्लीट कर लेंगे हर चेकबॉक्स पर यहाँ पर टिक आ जाएगा तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसको डायरेक्टली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस जनरेट सर्टिफिकेट वाले बटन को यूज करके। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस कोर्स से अपना सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करवा पाएंगे। सो दोस्तों यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप कि यार आपको ये कोर्स पसंद आया होगा, ये नॉलेज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अगर ये नॉलेजेबल आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर से यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना जिससे ऐसी और नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले यार आपको मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।